तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस कैसे हो सभी लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ये एक बहुत ही कूल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ये है आईफोन के एयरबड्स प्रो। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव और एक बहुत ही ज़्यादा कूल प्रोडक्ट है। तो गाइस आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये किस तरीके की प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी, तो वैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने देख सकते हैं कि इसके नीचे लिखा हुआ भी है, अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है कि ये प्रोडक्ट जो है मेड इन कैलिफोर्निया है एंड असेंबल इन जापान है। आप देख सकते हैं और यहाँ पे कोड नंबर भी लिखा हुआ है। और मज़े की बात बताऊँ लोगों को, आप बेवकूफ़ बन चुके हैं मेरी तरह, जिस तरीके से मैं भी बना था बेवकूफ़। तो गाइस ये है उसके कॉपी वर्जन। तो गाइस वो जो एक्चुअल एयरबड्स प्रो हैं वो आते हैं कम अज़ कम 40,000 तक के, और ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने लिया है ओनली इन 2,000 रुपीज़। तो गाइस मैं सोच रहा था और मैं बहुत ज़्यादा टाइम से सर्च भी कर रहा था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट लेकर आऊँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो लेकिन उसके जो कॉपी वर्जन है वो बहुत ज़्यादा चीप हो लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो गाइस आज मैं लेकर आ गया हूँ ये प्रोडक्ट, और देख सकते हैं ये उसके कॉपी वर्जन है लेकिन जो इसकी क्वालिटी है, इसकी जो क्वालिटी है साउंड क्वालिटी और इसकी जो प्रोडक्ट की जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। तो गाइस चल सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है और पूरा आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का फ्रंट से मिलता है और बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरीके का ओरिजिनल है उसी तरीके का से यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं हमें बैक पे भी, आप देख सकते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, जैसे रियल एयरबड्स होते हैं जो वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं, ये भी उसी तरीके से वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, और अगर आप हम इसे ओपन करें तो ओपन करते हैं हम इसे। सो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो देख सकते हैं सेम उसी तरीके से इसकी पैकेजिंग ओपन होती है। तो हमें इस साइड पे कुछ नहीं मिलता है और डायरेक्ट हम आए तो हमें मिलता है यहाँ पे हमारे एयरबड्स प्रो। तो आप देख सकते हैं सेम उसी तरीके की पैकेजिंग में मिलते हैं हमें, और अगर हम इसे ओपन करें तो सबसे पहले हमारे पास एयरबड्स प्रो आ जाते हैं। और अगर हम अंदर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग में हमें कुछ और नहीं मिलता है और इस तरफ, और अगर हम अंदर जाएँ तो अंदर हमें मिलता है वायर और कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स ऊपर लगाने के लिए जो एयर कप्स होते हैं या अपने साइज के लगा लें, और वो मुझे तो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके का है जैसे एक्चुअल आता है, और इसमें केबल भी इनफैक्ट वही वाली केबल दी हुई है। अगर मैं केबल की बात आपको मिलती है लाइटनिंग टू टाइप सी, तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो अभी आईफोन 14 में जो केबल आ रही है वो वाली केबल इसमें दी गई है, और बहुत ज़्यादा मज़े की बात है कि 2,000 रुपीज़ में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी का वर्जन मिलता है। कोई इनफैक्ट अगर आप हाथ में देंगे और बोले कि बताएं कि आईफोन 14 है, सॉरी आईफोन 14 बोल रहा हूँ, एयरबड्स प्रो है, रियल वाला है या कॉपी है, तो कोई पहचान नहीं सकता। इसमें प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट जो आते हैं वो यही आते हैं, और इसे 4,000 वाला भी आता है 2,000 रुपीज़ का। 4,000 वाले में थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होती है और साउंड क्वालिटी और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हाई लेवल होती है, लेकिन ये इस प्राइस रेंज में बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम इसे प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो इस पर लिखा हुआ भी है कि मेड इन कैलिफोर्निया, बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, आपको कम समझ नहीं आ रहा होगा। और देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट की तरह लिखा हुआ है। और मज़े की बात एक ये भी है कि अगर हम आईफोन में, क्योंकि मेरे पास आईफोन नहीं है, तो अगर हम आईफोन की तरह, जैसे आईफोन में होता है कि सिर्फ हम इसे ओपन करते हैं और ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इसी तरीके से ये वाला भी है, अगर हम ओपन करते हैं तो आईफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी आईफोन नहीं है तो इसलिए मुझे ब्लूटूथ ऑन करके जैसे नॉर्मल कनेक्ट करने होते हैं उसी तरीके से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी बहुत ही ज़्यादा फिनिश है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बने हुए हैं एयरबड्स प्रो। और अगर हम नीचे बात करें तो हमें मिलती है सबसे पहले लाइटनिंग पोर्ट, और अगर हम और ऊपर बात करें तो हमें एक यहाँ पे छोटी सी लाइट मिलती है। तो जैसे मैं ओपन करूँगा देख सकते हैं ये लाइट जल चुकी है, और देख सकते हैं इस तरीके से ये लाइट जल चुकी है और हमें मिलते हैं एयरबड्स प्रो।
तो क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और हम जैसी और हम सिर्फ ओपन करेंगे तो ये मोबाइल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक ईयरबड्स प्रो निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी एग्जैक्ट रेप्लिका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बने हुए और बिल्कुल और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं। तो अभी मैं आपको साउंड टेस्ट भी दूंगा और नीचे देख सकते हैं इस तरीके पूरे एग्जैक्ट उसी तरीके के हमें ईयरबड्स मिलते हैं। यहाँ पर टच मिलता भी है कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये टच जो भी हम देख रहे होंगे और म्यूट हो जाएगा और प्ले भी हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे इसके अंदर डालेंगे, मैं आपको जूम करता हूँ, फोकस कर दिए, देख सकते हैं हम जैसे ही इसके अंदर इस एयरबड्स को डालेंगे ये ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से अंदर चले जाएंगे। और देखें मैं नीचे भी कर रहा हूँ, ये गिर नहीं रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी जो वायरलेस होते थे जो चार्जिंग वाले एयरबड्स और जो भी हैंड फ्री होते हैं उनमें ये होता है कि चार्जिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अचानक चार्जिंग ख़त्म हो जाती है और फिर चार्जिंग में लगाना होता है, कभी कभार लाइट चली जाती है। इनमें सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर ही जो केस है इस केस के अंदर ही हमें पावर बैंक भी मिलता है। देखिए पावर बैंक इस हैंड फ्री के लिए है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसकी देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर भी बैटरी है और सारे एयरपॉड्स के अंदर भी बैटरी है, तो एयरपॉड्स की अलग चलेगी। जो 4000 वाला था जो मैंने नहीं लिया उसकी बैटरी टाइमिंग थी 7 आवर और जो इसके वो 3 आवर के लगभग है। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये है कि अगर जैसे अगर हम नॉन स्टॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर चार्जिंग करनी पड़ेगी फिर इसके अंदर डाल के चार्जिंग। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाना सुना फिर आप कोई वर्क करने लग गए फिर से अंदर डाल दिए और फिर से निकाल के सुनने लग गए फिर इसी तरीके से कर रहे हैं तो आपको हमेशा चार्जिंग मिलेगी, क्योंकि आप हल्का सा यूज़ किया ने रख दिया तो चार्जिंग ऑफ से फुल कर देगा और फिर आप ऑफ से यूज़ करेंगे तो इसमें आप नॉन स्टॉप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। और मैंने दूसरे एयरबड्स भी चेक किए थे और बहुत सारी चीज़ें चेक की थी लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगे। तो इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैं एक हफ्ते से मेरे पास ही है और मैं चाह रहा था कि एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ इस बारे में। तो इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, नॉइस कैंसिलेशन भी एक्सेप्शनल है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे लगी, क्योंकि थोड़े से चीप हैं तो इसकी जो टच सेंसिटिव है थोड़ा सा ना ज़्यादा है, तो हम जैसे लगाए हुए हल्का से भी हमारे स्किन से टच हो रहा है और हल्का से भी हम हल्का सा कान हिल रहा है तो उसकी वजह से थोड़े से रुक जाते हैं और फिर वापस करना पड़ता है, फिर अच्छी तरीके से सेट करके फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। या ये वाला फॉल्ट मेरे वाले में आया, लेकिन इतना ज़्यादा ये होता नहीं है, कभी कभार ये प्रॉब्लम करता है लेकिन ये वर्थेड हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कभी कभार ये प्रॉब्लम करता है, हर वक्त नहीं करता है। उसकी जो साउंड क्वालिटी मैं आपको चेक भी कराता हूँ और आप देख सकते हैं मैं जैसे ही मेरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ है तो कनेक्ट देखिए जैसे मैंने ब्लूटूथ खोला अपने मोबाइल का मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं ब्लूटूथ खोलूँगा देखें ये खोला हुआ है मैंने और अभी कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो जी देखें वैसे ब्लूटूथ लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ही मैं एयरबड्स खोलूँगा देखिएगा आप एयरबड्स खोलें सकते हैं ये यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका ब्लूटूथ। और अब मैं आपको इस साउंड क्वालिटी चेक करके बताता हूँ, तो वैसे मैं चेक कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं लोगों को करता हूँ और आपको लोगों को सुनाने की भी कोशिश करता हूँ। तो गाइस मैंने माइक की शील्ड निकाल दी है कि आप लोगों को मैं सुना सकूँ सही से इसकी क्वालिटी साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं कोई एक सॉन्ग लगा लेता हूँ, तो गाइस एक मैंने सॉन्ग लगा लिया और मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ एयरबड्स को और देख सकते हैं जैसे मैंने लगाए एयरबड्स तो इसमें हल्की सी साउंड आई है कि आपने पहन ली है। और जैसे निकालूंगा ये ऑटोमेटिकली कोई भी सॉन्ग ऑफ कर देंगे, मैंने बताया था। तो गाइस सॉन्ग जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर आ रहा है और बिल्कुल बेस सारी चीज़ें बिल्कुल लेवल हैं, तो मैं आप लोगों को भी सुनाने की कोशिश करता हूँ इसके साउंड क्वालिटी। तो गाइस इसकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, जो एक अच्छी बात है, इनके कभी कभार ऐसा होता है कि साउंड बहुत ज़्यादा कम होता है और कभी बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, लेकिन इसका बिल्कुल लेवल है। और आप लोग भी साउंड सुन चुके हैं और इसे चार्जिंग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, हमने कुछ नहीं करना है। मैं इसके साथ मैंने जो इसके साथ वायर है मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आईफोन वाला केबल है, ये टाइप सी टू लाइटनिंग है, मेरे पास टाइप सी का कोई चार्जर नहीं है, इसलिए मैंने एक अलग से एक आईफोन की केबल ख़रीदी। आप देख सकते हैं ये लाइटनिंग केबल है और मैं जैसे ही लगाऊंगा इस पर
चार्जर पे लगा दिया है और जैसे मैं इस पे लगाऊंगा ये चार्ज करना शुरू कर देगा। तो मैं जूम करता हूँ, आपको दिखा दूँ चार्जिंग में, और जैसे ही ये चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी इसकी तो ये रेड हो जाएगी, इसकी जो लाइट है, जो ये लाइट जल रही है ये रेड हो जाएगी। और जैसे ही मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ देखिएगा, तो जैसे मैं अंदर लगाऊंगा चार्जिंग में आप देख सकते हैं ये रेड लाइट जल गई, मतलब कि अभी ये चार्ज नहीं है। उसके बाद जैसे ये ग्रीन हो जाएगी लाइट तो हमें पता चल जाएगा चार्ज है। और कभी कभार ये सिर्फ ग्रीन ही रहती है तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता है, मतलब कि सही से हमें इंडिकेट नहीं कर पाता ये कि ये चार्ज फुल है या नहीं। तो इसके लिए थोड़े से एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ओवरऑल इस प्राइस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये एयरबड्स। तो वैसे मैंने इसके लिए एक सिलिकॉन कवर भी ख़रीदा था, आप देख सकते हैं ये एक सिलिकॉन कवर है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है और एक थिक कोड है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब कि ख़राब नहीं होंगे जल्दी और स्केचेस भी नहीं आएंगे। तो ये मैं 200 रुपीज़ से ख़रीदा था, तो ओवरऑल ये पूरा सेट मुझे पड़ा है 2200 रुपीज़ का। और आप देख सकते हैं ये एक वर्थेड है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू 40,000। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इस केस की ये है कि नीचे से हम चार्ज कर सकते हैं, दूसरे जो केस होते हैं उनमें नीचे पोर्ट नहीं दिया, वो मतलब कि स्पेस कट नहीं लगा हुआ होता तो हमें निकाल के फिर चार्ज करके फिर लगाना होता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो इसमें ये दिया हुआ है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने ये बस हटाना है और चार्ज कर लेना है। तो लगा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दिखता है। तो इसकी जो ग्रिप है कवर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपके हाथ से गिरेगा नहीं। और एक यहाँ पे एक किचन टाइप का लूप दिया हुआ है जिसपे आप पैंट पे भी लगा सकते हैं, अपने बैग पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस तरीके से डालना है और देख सकते हैं इस तरीके से हमने डालना है, ऊपर से एक कवर हमने लगा देना है। तो ये पूरा एक अच्छी तरीके से कवर बैठ गया है और हमें कुछ भी नहीं करना है। देख सकते हैं कि इसमें लाइट भी दिखती है, तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पता चलता रहेगा कि क्या लाइट है। बहुत सारे में कवर में छुप जाती है, पता नहीं चलता कि लाइट जल रही है, चार्ज है या नहीं। ये वाला मुझे और ये वाला बाय करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और मैं सेटिस्फाई हूँ इस बाय से। तो और मैं आप लोगों को भी कहूँगा, अगर आप लोग कोई कम प्राइस रेंज में कोई एक एयरबड्स या कोई भी आप हैंड फ्री वायरलेस लेना चाह रहे हैं तो डेट इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर बाय। तो मैं आपको फुली रिकमेंडेड है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं ये वाली प्रोडक्ट तो आप बाय कर सकते हैं। दो तीन प्राइस रेंज आती है 2000, 5000, 6000 एंड 4000। तो आप इनमें से कुछ भी बाय कर सकते हैं जिस पर आप सेटिस्फाई हो, लेकिन ये वर्थेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और एक अनाउंसमेंट ये करनी थी मुझे कि मैं कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कूल चीज़ें मिलाने वाला हूँ। तो लगभग मैं 20 दिन या 15 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, तो इसी वजह से आप लोग परेशान नहीं होंगे मैं कहाँ चले गया और मैं वीडियो क्यों नहीं डालूँगा। गाइस क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग करता रहता हूँ, तो उसके लिए मैं कभी सीख रहा होता हूँ, कभी कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ। तो मैं अभी वो बात नहीं बताऊँगा कि क्या चीज़ करने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो आप लोग खुद ही आगे वीडियो आने वाली वीडियो में देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा आज की वीडियो में, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये बाय करने में और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।